ओके, आई होप आप अच्छे होंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, हम लोग का चल रहा था क्लास क्या, ग्राफ के बारे में, इकोलॉजी। ठीक है, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट किया। उसके अंदर कुछ टॉपिक थे जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन किया था। वो जब मैं ग्राफ पढ़ा रहा था तो ग्राफ में एक क्वेश्चन में छोड़ा था और पूछा था इस ग्राफ में कौन सा रीज़न लाई करता है। तो कुछ लोग इसका आंसर दिए थे, तो बहुत अच्छा, वेरी वेल डन। आप लोग बुक खोले, बुक के देखें, अच्छा लगा देख के। और आपने आंसर जो दिया था वो टेम्परेट रीजन इज अ राइट आंसर। ओके, वेरी वेल डन। ठीक है, आपको इस तरह बुक पढ़ते रहिए। ठीक है, आपको ग्राफ में दिखा दिया गया था कई सारे रीजन होते हैं। सबसे पहले डेजर्ट था, फिर ग्रासलैंड था, फिर वो लंबा सा ट्रॉपिकल था, फिर उसके नीचे जो आपने आंसर दिया था टेम्परेट था, फिर कॉनिफेरस था। ठीक है, ये सभी रीजन क्या थे, उन ग्राफ के कॉम्पोनेंट थे। लास्ट में अल्पाइन टुंड्रा थे। इसके शॉर्ट ट्रिक क्या थे, दो खड़े तीन पड़े और नीचे एक सड़े। ये ट्रिक था। इस ट्रिक से आप उस ग्राफ को लर्न कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस रीजन में सबसे अधिक पानी बरसता है, कहाँ पे स्नो फॉलिंग ज़्यादा होता है। ठीक है, ओके जी। आज का हम लोग का टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 2 के अंदर निस। ठीक है, क्वेश्चन आया व्हाट इज अ निस, निस क्या होता है। देखिए, इस इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी लोग हैं उनके पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, एक स्पेसिफिक पावर होता है जिसके वजह से वो एक स्पेसिफिक काम करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, सबके पास एक स्पेसिफिक क्या होती है, पावर होती है जिससे वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, ऐसा इस इन्वायरमेंट के अंदर मुझे पावर मिला है कि मैं आपको टीचिंग करा सकता हूँ। ठीक है, मैं टीचिंग का काम कर सकता हूँ। तो ये मेरी क्या है, एक स्पेसिफिलिटी है। ठीक है, ये मेरी एक स्पेशलिटी है या मेरी स्पेसिफिलिटी है। स्पेसिफिलिटी या आप बोल सकते हैं आप स्पेसिलिटी, दोनों एक ही वर्ड सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो देखिए, आप इस इन्वायरमेंट के अंदर आप कौन सा काम कर सकते हो, किस काम में आपकी एबिलिटी अच्छी है। आप डॉक्टर हो तो आप ट्रीटमेंट करोगे, आप लॉयर हो तो केस लड़ोगे, आप टीचर हो तो पढ़ाने का काम करोगे। ठीक है, आप बार्बर हो तो बाल काटोगे। तो देखो, हर एक पर्सन की एक फील्ड में अपनी एक स्पेशलिटी होती है, उसी को बोलते हैं निस। और उसी के अकॉर्डिंग नेचर में उनको जगह दिया जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं ट्रॉपिकल लेवल। तो इस इकोसिस्टम के अंदर कोई एक पर्सन अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, और उस हिसाब से अपना वो जगह पाता है, उसी को बोलते हैं निस। ठीक है, निस मतलब क्या होता है, आपकी स्पेशलिटी जिसके अकॉर्डिंग आप क्या पाते हो, इस इन्वायरमेंट में, इस इकोसिस्टम में जगह पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, निस कहते हैं। निस मतलब क्या होता है, आपकी एबिलिटी जिसके अकॉर्डिंग आप इन्वायरमेंट में रहने के लिए, काम करने के लिए, अपना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए जगह पाते हो, उसी को निस बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिफाइन कर ले क्या निस को। निस क्या है, लिख सकते हैं कि एवरी ऑर्गेनिज्म 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 हैज फंक्शनल फंक्शनल रोल इन एनवायरमेंट फॉर विच दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन इकोसिस्टम इन इको सिस्टम एंड गेट अ ट्रॉपिकल लेवल कॉल्ड एज निस NICHE निश। ठीक है, देखा है, एवरी ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म के पास क्या है, एक फंक्शनल रोल है, एक काम करने की भूमिका है इन इन्वायरमेंट, इस पूरे इन्वायरमेंट के अंदर। फॉर विच, जिसके लिए दे परफॉर्म, क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, शो करते हैं, क्या, एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक काम करते हैं, किसमें, इस इकोसिस्टम के अंदर जिसमें आप लोग इंटरेक्ट करते हैं। एंड गेट अ ट्रॉपिकल लेवल कॉल्ड एज निश। ट्रॉपिकल लेवल मतलब कि इस इतने बड़े जगह में आप कहाँ पाते हो जगह, उसी को ट्रॉपिकल लेवल कहते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं निश। एंड इसको गेट की जगह हम लिख सकते हैं ऑक्यूपाई ट्रॉपिकल लेवल। ठीक है, या फिर आप गेट भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये होता है निश। तो ये हो गया हम लोग का निश। ठीक है, तो निश आता है एग्जाम में, तो आप इसके बारे में लिख सकते हो। डिफिनेशन कभी कभी आ जाता है 1 मार्क्स में लिखने के लिए, यू कैन राइट दिस डिफिनेशन। ठीक है, कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैज ए फंक्शनल रोल, जिससे क्या होते हैं, इस इन्वायरमेंट के अंदर वो कोई स्पेसिफिक काम करते हैं और जगह पाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, निश कहते हैं। ठीक है, ओके। अगला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एबायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
क्या पढ़ेंगे, एबायोटिक फैक्टर। तो आप लोग क्या करिए, निस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक स्टूडेंट है, उसका नाम है पूजा, वो कह रहे सर कि आप जगह ही नहीं देते हो कि हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले रहे। मैं क्या करता हूँ, वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि आप लोग लिख लो, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, वीडियो को पॉज नहीं करूँगा, मैं साइड हट जाऊँगा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। चलिए ले लीजिए, 3 2 1, चलिए हो गया, ओके। अब निश के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से मेजर एबायोटिक फैक्टर हैं जो हमारे लाइफ में क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, हमारे लाइफ को अफेक्टेड करते हैं, ठीक है। चलिए, मेजर मेजर एबायोटिक एबायोटिक फैक्टर, मेजर एबायोटिक फैक्टर, वो कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर हैं जो हमारे लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो मैं कुछ एबायोटिक फैक्टर का नाम लिख रहा हूँ जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है और वो एनसीईआरटी में गिवन है। तो इन फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर आता है सनलाइट, आप इसके कर सकते हैं सेकंड नंबर पे। टेम्परेचर के बाद कुछ चाहिए किसी को, तो चाहिए वाटर, ठीक है, वाटर कर लीजिए, ठीक है, सनलाइट कर लीजिए, और क्या करेंगे, और आप सॉइल कर लीजिए जिस पे आप रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे एबायोटिक फैक्टर हैं जो कि मेजर होते हैं, सबसे मैक्सिमम इसी का रोल है हमारे लाइफ में, तो इन फैक्टर्स का है। अब कैसे कैसे है, तो सभी फैक्टर को हम लोग अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, तो कौन कौन है, टेम्परेचर, वाटर, सनलाइट, सॉइल। टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, सनलाइट। टेम्परेचर, वाटर, सनलाइट, सॉइल। टेम्परेचर, वाटर, सनलाइट, सॉइल। टेम्परेचर, वाटर एंड सनलाइट एंड सॉइल। ओके, चलिए तो हम पहला स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टेम्परेचर। और बताइए क्या चल रहा है आजकल जिंदगी में, बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले होंगे अच्छे से, क्योंकि लास्ट चैप्टर चल रहा है, तो इस हिसाब से मान सकते हैं कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। और हम लोग का टॉपिक आ रहा है टेम्परेचर। टेम्परेचर फिजिक्स का नॉलेज होने की वजह से मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर। इसका आंसर आप मुझे दोगे अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है, इसका आप डिफिनेशन बताओगे मुझे, या कुछ नया बता सकते हो टेम्परेचर के बारे में तो मुझे बताना, ठीक है, ओके। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है, प्यारा सा अर्थ बना दिए, ठीक है, आप कहेंगे एकदम आप परफेक्ट स्फीयर नहीं बना दूँ, तो भाई नहीं बना सकता। रीज़न है कि अपना जो अर्थ है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ठीक है, इसके लिए बहुत सारा मार चलता है, वो फर्दर फिजिक्स वालों का काम है, ठीक है, वो सब वो कहाँ करेंगे। वैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जो अर्थ का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह इलेप्टिकल होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इलेप्टिकल स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा कन्वीनियंट नहीं होता है, दैट इज़ वाई आई वॉन्ट टू रफ दिस चैप्टर, सॉरी नॉट चैप्टर, दिस टॉपिक, ओके ओके। तो ये अर्थ है, ठीक है, हम लोग जैसा सोचते हैं कि अर्थ का मोशन कैसे कैसे होता है, तो एक तो मोशन होता है उसके एक्सिस पे, जिसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है। और एक क्या होता है, एक ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है, ठीक है, ऑर्बिट में घूमता है, ये ऑर्बिट में उसका मोशन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ऑर्बिटल मोशन होता है, ठीक है। जो अपने एक्सिस पे जब अर्थ घूमती है तो उसे रोटेशनल मोशन कहते हैं। इस रोटेशनल मोशन की वजह से दिन और रात होते हैं। दिस मोशन इज द कॉज ऑफ डे और नाइट, ठीक है, दिन और रात होने का जो रीजन है वो है रोटेशनल मोशन। अब जब अर्थ इस पाथ में ऑर्बिट में जब घूमती है, तो घूमने से जब घूम के वापस उसी जगह पर जाती है, तो उसका एक साल कंप्लीट होता है, एक टाइम पीरियड कंप्लीट होता है, और वो आपका 1 year 365 days लगते हैं, ठीक है। क्या है कि जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, यहाँ कहीं बीच में सेंटर में दिखा देते हैं, यहाँ पे कहीं प्यारे से सन होते हैं, बेटे वाले सन नहीं है ये, प्यार भरा स्माइल, ठीक है, ये कौन है, ये है सन, ठीक है, ये है सन। सन से क्या निकलता है, सनलाइट निकलता है, ऑब्वियसली सन का काम है सनलाइट देना, तो ये सनलाइट क्या होता है, अर्थ पे पड़ता है, ठीक है। तो जब भी इस अर्थ का रोटेशनल मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, तो इसकी वजह से, और प्लस जो अर्थ का जो मोशन है वो तो ठीक है अपना रोटेशनल मोशन होता है, लेकिन क्या इसका परफेक्ट ऐसे एक्सिस है अर्थ का,
तो आंसर इज नो, एनीथिंग एंड नथिंग इज परफेक्ट, कुछ भी और कुछ नहीं भी परफेक्ट नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जॉर्ज कॉली का, ठीक है। एनीथिंग नथिंग इज परफेक्ट, मतलब कि कुछ भी और कुछ नहीं भी परफेक्ट नहीं है, मतलब कि कुछ है वो भी परफेक्ट नहीं है और जो कुछ नहीं है वो भी परफेक्ट नहीं है, मतलब कुछ भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है। ये फेमस राइटर का ये लैंग्वेज था, ठीक है। तो जो अर्थ का जो स्टेबिलिटी, हम लोग सोचते हैं कि ऐसा सीधा है और रोटेशनल मोशन ऐसा शो करता है, दैट इज रॉन्ग। अर्थ क्या होता है, अपने एक्सिस से थोड़ा टिल्टेड होता है, मतलब कि अगर बात करें तो अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है इस तरह, और ऐसे कुछ ऐसा मोशन शो करता है, ठीक है। ऐसे ऐसे ऐसा मोशन करते हुए पूरा वो चक्कर लगाता रहता है, ना कि ऐसे मोशन करता है। ये मोशन जो दिख रहा है ऐसा वाला, ये रॉन्ग है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, यही मोशन होगा लेकिन थोड़ा सा से टिल्ट होगी, ऐसा 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 मोशन होगा, ठीक है, थोड़ा टिल्टेड होके। तो अर्थ के थोड़ा सा टिल्टेड होने की वजह से और उसके रोटेशनल मोशन की वजह से क्या होते हैं, सीजनल वेरिएशन होते हैं, ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ एंड टिल्टिंग ऑन इट्स एक्सिस कॉजेस सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन मतलब कि सीजन का वेरिएशन होता है। अब ये सीजनल वेरिएशन क्या है, अरे कुछ नहीं, ये ही तो है, ठंडी गर्मी बरसात, ठंडी गर्मी और बरसात। अब कहोगे ये क्या है, तो हिंदी में लिख दिए, हिंदी माय मदर टंग, ओके। ठंडी मीन्स क्या होता है, विंटर, गर्मी मीन्स समर, ओके। बरसात को मतलब रेनी डे, ओके। तो ये सब जो सीजनल वेरिएशन होता है अर्थ के रोटेशनल मोशन और टिल्टेशन की वजह से होता है, ओके। लेकिन अब यहाँ पे टेम्परेचर कैसे, मतलब टेम्परेचर कैसे वेरी किया, या टेम्परेचर का कौन सा रोल आया, ये तो बात ही नहीं हुआ कहीं पे। देखिए होता क्या है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप लोग बैक करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर कैसे यहाँ पे अफेक्ट किया, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि टेम्परेचर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है टेम्परेचर। अगर मैं अर्थ को यहाँ पे बना देता हूँ और उसके जगह जगह मैं बात करूँ कहाँ पे क्या क्या टेम्परेचर होता है, तो मैं काम करता हूँ, फ्रेम चेक कर लेता हूँ, एवरीथिंग इज़ फाइन और नॉट, ठीक है, या गुड, ओके, परफेक्ट। ये हमारे पास एक अर्थ है, ठीक है। अर्थ को डिवाइड करने वाले लाइन को, जैसे मैं कहता हूँ ये अर्थ है, तो इसको डिवाइड करने वाले लाइन को इक्वेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। और जैसे आप अर्थ से टम 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 करके ऊपर जाओगे तो इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। पोल वही जहाँ पोलर बियर मिलते हैं, आप जानते होंगे पोलर बियर कैसे होते हैं, वाइट से होते हैं, कहाँ रहते हैं, इग्लू के अंदर रहते हैं। इग्लू क्या होता है, इग्लू मीन्स बर्फ का घर। और आप सोच सकते हैं बर्फ का घर कैसे होता है, आई थिंक बर्फ जो होता है बहुत ही हॉट होता ना क्या मजाक कर रहे हो सर जी, हॉट होता है, यस। अरे नहीं भाई, नहीं सीरियस मत लेना, हॉट नहीं होता है, कोल्ड ही होता है, ठीक है। ये याद कराने का ट्रिक है, ठीक है। अब कैसे, ऐसे पोल्स भी क्या होते हैं, पोलर बियर। क्या होते हैं, पोलर बियर। कहाँ घर कैसे बनाते हैं, इग्लू में। इग्लू किसका होता है, बर्फ का होता है। बर्फ क्या होता है, नहीं बाबू अब हॉट नहीं बोलने वाले हैं, कैसा होता है, ठंडा होता है। कैसा होता है, ठंडा होता है। तो मतलब हम ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब आप कभी भी इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करोगे तो टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो जब आप कभी भी इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हो तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, आप प्लेन एरिया से, तो ये हो गया, लिख दूँ क्या मैं इसको, आप एक काम करो मुझे कहीं जगह दे दो तो मैं लिख लेता हूँ। तो मैं कहाँ लिखूँ, थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ, इक्वेटर यहाँ लिखते हैं, ठीक है, इक्वेटर लिख दें। ऑनगोइंग इक्वेटर
टू पुल द टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग यहाँ जाते हैं इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, डिक्रीज करता है, पोल, पोलर बियर, इग्रू, बर्फ का घर, ठंडा, मतलब क्या है, यहाँ पे कोल्ड है। तो अब जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे आपको क्या मिलेगा, कोल्ड मिलेगा, ठंडा मिलेगा। ठीक है, अच्छा बहुत लोग क्या होते हैं, घूमना पसंद करते हैं अपने नॉर्मल से प्लेन वाले ज़मीन को छोड़ के पहाड़ों पे जाना पसंद करते हैं तपस्या करने के लिए। ये प्लेन वाला जगह है, यहाँ ऋषि मुनि रहते थे, ये है ऋषि मुनि, यहाँ रहते थे। लेकिन क्या हुआ, इनका धरती पे जमा नहीं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग सब काम किए नहीं, तो फिर क्या हुआ, ये हो गए नाराज और कहाँ चले गए, वो ऊँची पहाड़ी पर चले गए। एक्चुअली ऋषि मुनि जो होते थे उनकी ऐसे जटाएँ होती थी, मैंने जटाएँ दिखा दी। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, यहाँ के लोगों से क्रोधित हो गए, गुस्से में आ गए, और क्या हुआ, यहाँ से काम उप कर गए, ऐसे पहाड़ों की तरफ, हिमालय पहाड़ पे चले गए, हिमालय पर्वत पे चले गए शिव भगवान की तपस्या करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्लेन है और ये क्या है, माउंटेन है। अब तुम यार इतना ही सोच के मुझे बताओ, माउंटेन एरिया में जाते हैं हम लोग, ठंडा रहता है, गर्म रहता है, तुम ही देखे होगे हिमालय पर्वत आइसी रहता है, आइस पे पूरा, मतलब आइस का ही पूरा बना हुआ है, अगर आप देखोगे वाइट कलर का दिखता है, मतलब लगता है पूरा बर्फ ही बर्फ है। अब केदारनाथ जाओ तो देखो पूरा ठंडा ही ठंडा। ठीक है, तो हम कभी भी अगर प्लेन एरिया से माउंटेन एरिया की तरफ हम लोग मूव करते हैं, प्लेन एरिया से माउंटेन एरिया की तरफ मूव करते हैं, तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। अच्छा, बहुत लोग ये परेशान रहते हैं टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पे हॉट आता है कि कोल्ड आता है, मैं आपको बता दूँ, जब आप टेम्परेचर को इनक्रीज़ करते हो, मतलब वैल्यू पॉजिटिव ले जाते हो, तो गर्मी बढ़ती है। ठीक है, वहीं टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हो, मतलब वैल्यू नेगेटिव ले जाते हो, तो ठंडी आती है। ठीक है, कोल्ड आता है, तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पर कोल्डनेस आता है, टेम्परेचर इनक्रीज़ करने पर हॉटनेस आता है। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे हम लोग प्लेन एरिया से माउंटेन एरिया की तरफ मूव किए, तो क्या होता है, टेम्परेचर, तो प्लेन से कहाँ जा रहे हैं, माउंटेन जा रहे हैं, तो व्हेन यू गो फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन, ठीक है, टॉप माउंटेन, देन टेम्परेचर क्या सोच रहे हो, हम इंक्रीज बोलने वाले, नहीं यार पढ़े लिखे हैं। तो क्या हुआ, जब आप लोग प्लेन एरिया से माउंटेन एरिया की तरफ जाओगे, टेम्परेचर क्या करेगा, ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए, इसका आप लोग क्या करिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, तो मैं साइड भी जा रहा हूँ, नहीं तो फिर कहेंगे कि आप लोग स्क्रीन शॉट के लिए टाइम नहीं दिए। हाँ जी, सभी लोगों ने नोट कर लिए होंगे, अच्छी बात है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ज़रूरी नहीं कि ठंडा एरिया की ही बात करें, हम लोग गर्म एरिया की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे होते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आप कर दो तो भी ज़िंदा रहते हैं, और उसके आगे भी कर दो तो भी ज़िंदा रहते हैं। लेकिन हम इंसान अगर 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिल जाए तो बॉयल हो जाएंगे। हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इससे टेम्परेचर हाई करते तो वो 40 डिग्री पे गर्मी होने लगता है, वो पसीना निकलने लगता है, इंसान परेशान हो जाता है यार। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, हम देखिए जब पढ़ा रहे थे तब हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बात किया था, वही है जो 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर भी सह सकते हैं, थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया। ओके, तो सम ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल क्या है, थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया। ठीक है, थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया ये 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। अब उन जगह का नाम होता हॉट स्प्रिंग, उनको बोलते हैं हॉट स्प्रिंग। अरे हॉट स्प्रिंग मतलब ये नहीं है कि स्प्रिंग को गर्मा दी, नहीं भाई यार, झरना है। ठीक है, जहाँ से पानी गिरता है झम झम, वो हॉट स्प्रिंग की बात हो रहा है। ठीक है, बहुत लोग लगे कि स्प्रिंग है उसको गर्मा दी उसको हॉट स्प्रिंग बोल रहे, भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, ये होता हॉट स्प्रिंग मतलब झरना होता है, गर्म झरना। ठीक है, जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इट इज़ टू हाई। कुछ मैं अपने एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, जिसको आपको जानना चाहिए एज अ फैक्ट, अगर आप जानते तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो जान लीजिए, जानना चाहिए। देखिए टेम्परेचर का इतना इम्पोर्टेंट रोल रहता है ना, अगर टेम्परेचर एक फिक्स वैल्यू पर आपको ना मिले तो आपके बॉडी का एंजाइमेटिक रिएक्शन रुक जाएगा, आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन रुक जाएगा, आप तबाह हो जाएंगे। ठीक है,
देखिए जो आम का जो पौधा होता है ना, लगभग गर्मियों के सीजन में आप देखेंगे जब गर्मी का सीजन रहता है तो ग्रो करता है, ठीक है। मामा के यहाँ जाते हैं गर्मी छुट्टियों में, आम खाते हैं, खाते नहीं खाते हैं भाई, नॉर्मल सी बात है, मैं तो खाया हूँ, ठीक है। दशहरी, चौसा, कपूरी, लंगड़ा, बहुत सारा आम है, तो गर्मी की छुट्टी मामा के यहाँ जाते थे तो आम खाते थे, और जनरली आम जो होता है गर्मी के सीजनों में ही होता है। अब यहाँ के लोग कुछ है क्या हुआ, गए जर्मनी और गए कनाडा, सोचिए यहां से चौसा, लंगड़ा और कपूरी पेड़ उखाड़ के और लगा देते जर्मनी में और कनाडा में, और खूब प्रोडक्शन करेंगे वहां पे, वहां पे कोई रोक टोक है नहीं, खूब दवा प्रोडक्शन करेंगे, कोई खेती बाड़ी की टेंशन है नहीं है, ठीक है, और खूब दवा को आम ग्रो करेंगे और बेचेंगे इंडिया को। इंडिया वाले सोचेंगे अच्छा हमको टोपी पहना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, सीजनल जो क्राइटेरिया है तुम्हें संभाल लेगा। लेके गए यहां से, इंडिया से लेके गए, लगा दी जर्मनी में कनाडा में आम का पेड़, और देखो लगाते ही पेड़ बर्बाद हो गया। रीज़न क्या है कि जो आम का पेड़ होता है, मैंगो का जो ट्री होता है, वो ट्रॉपिकल एरिया मतलब ठंडे जगह पे ग्रो नहीं करती हैं, ठीक है। मतलब मैंगो ट्री आर नॉट ग्रो इन, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, ये ट्रॉपिकल नहीं, इसको टेम्परेट रीजन बोलते हैं, आई एम सो सॉरी, टेम्परेट रीजन, ठीक है, टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन, मैंगो ट्री आर नॉट ग्रो इन टेम्परेट। क्या होता है ना कि मुझे बहुत क्लासेस का लेक्चर लेना रहता है तो फिर माइंड में थोड़ा सा हो जाता है डिसबैलेंस, ठीक है। तो मैंगो ट्री आर नॉट ग्रो इन टेम्परेट रीजन, अगर आपसे कोई पूछता है टेम्परेट रीजन क्या होता है, ठंडा एरिया, ठीक है, ठंडा एरिया जो होता है उसको टेम्परेट रीजन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जर्मनी, स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है बाबू, कनाडा, ओहो कनाडा, कनाडा, कभी कभी क्या होता है मिस्टेक हो जाता है, तो आप प्लीज़ इसे टेम्परेट ही करिएगा, ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। चलिए, मैंगो ट्री आर नॉट ग्रो इन टेम्परेट रीजन, ठीक है, इसलिए आम के जो पेड़ होते हैं टेम्परेट रीजन में ग्रो नहीं करते हैं। टेम्परेट रीजन मतलब क्या होता है, ठंडा रीजन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बता दें, जो स्नो लिपॉड्स होते हैं, स्नो लिपॉड्स क्या होते हैं, ऐसे लिपॉड आप समझ सकते हैं, स्नो मतलब बर्फील में जो पाए जाते हैं, बर्फ में पाए जाते हैं, बर्फीले लिपॉड्स, लिपॉड्स मतलब क्या होते हैं, चीता की वैरायटी होती है, भागती है खूब ठंडे एरिया में। अगर आप उसे केरला के फॉरेस्ट में ढूंढोगे, यार केरला वाला एरिया इतना गर्म एरिया है कि वहाँ आपको मिलेगा ही नहीं। हम तो एक दिन गए थे केरला, गए और उसके फॉरेस्ट में घुस गए, सोचे यार स्नो लिपॉड ढूंढ ले, यार हम पूरा परेशान हुए, ढूंढते रह गए, हमको एक्को नहीं मिला, पूरा ढूंढे, हम दबा के ढूंढे, सारा जंगल है छान डालें, लेकिन हमको क्या नहीं मिला, यार स्नो लिपॉड मिला ही नहीं, ठीक है। तो क्या स्नो लिपॉड, स्नो तो हमको फिर हमारे साइंस के टीचर बताए थे कि बाबू देखो स्नो लिपॉड मतलब स्नो क्या होता है, ठंडा, लिपॉड मतलब चीता, तो ठंडा एरिया में मिलने वाला चीता, तुम गर्म एरिया में कहाँ ढूंढ रहे हो, ये ऑलरेडी साइंस के टीचर पढ़ा दिए, क्यों भी कॉपी कर रहे हो, मान जाओ उनकी बात। स्नो लिपॉड, लिपॉड आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट, केरला फॉरेस्ट में नहीं मिलते, ठीक है। तो टीचर्स की बात माननी चाहिए, हम नहीं माने और केरला चले गए पैसा खर्च करके, और पैसा बर्बाद हो गया, गर्मी ही गर्मी, अब गर्मी में ठंडा चीज ढूंढना है, ठीक है, तो मानना चाहिए टीचर्स की बात। ओके, थर्ड आपको बात बता दें, तो देखिए टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है, अगर आप नहीं बात मानते हो तो फिर नुकसान है, ठीक है। देखिए ये टेम्परेचर का ही तो कमाल है, कि टेम्परेचर का ही कमाल है कि जर्मनी और कनाडा वालों को ग्रो नहीं करने देता मैंगो का ट्री, अगर कर लेते तो हाँ भी मैंगो का प्रोडक्शन होता, आ रहा है, बहुत बड़ी खेल है। ट्यूना फिश, ट्यूना फिश आर नॉट फाउंड बियॉन्ड ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। अब ट्रॉपिकल मतलब क्या होता है, वार्म एरिया, जो बहुत ही वार्म रहता है, वार्म इन ऑल ईयर, मतलब पूरे साल क्या होते हैं, ये जो ट्रॉपिकल रीजन रहते हैं बहुत ही गर्म रहते हैं, तो ये गर्मी में पाई जाने वाली मछली है, ठीक है। कौन सा एरिया, कलकत्ता एरिया जो होता है ना, हमेशा गर्मी रहता है, वहाँ ठंडी ना के बराबर होती है, और मछली उसे वही जानते हैं, मच्छी भात खाते हुए पे, मच्छी भात सॉरी बोलते हैं बैंगलम, ओए दुगा आमी मच्छी भात खाबो, ऐसे बोलते हैं ना, आमी मच्छी भात खाबो, तो मतलब वहाँ पे मच्छी भात यानी मछली बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये जो ट्यूना फिश है, ट्यूना फिश, ट्यूना फिश, ट्यूना फिश आर नॉट फाउंड बियॉन्ड ट्रॉपिकल रीजन,
अगर आप इसे उठा के जाके रख दोगे अपने घर में, सोचोगे मैं रख लेता हूँ इसको, जिया लेता हूँ, इसका बच्चा पैदा होगा, अपने पोखरम जियाऊंगा, ये नहीं हो सकता। उसको गर्मी चाहिए, और तुम्हारे अंदर का जो यहाँ का टेम्परेचर है जो आसपास का है वो तो वेरी करता रहता है, ठीक है। तो वेरिएबल टेम्परेचर में नहीं रह पाएगा ये। जो ट्यूना फिश रहता है हमेशा हॉट एरिया मिलता है, वार्म एरिया मिलता है, लाइक कलकत्ता वलकत्ता, ठीक है। तो ट्यूना फिश कहाँ मिलेगा आपको, हमेशा मिलेगा कहाँ मिलेगा, कलकत्ता वाले एरिया मिलेगा, यानी ट्रॉपिकल रीजन मिलेगा। इसलिए ट्यूना फिश आर नॉट फाउंड बियॉन्ड ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन से बाहर नहीं मिलता। इनकी देख ली अलग ही नौटंकी है भैया, ठीक है। मैं देख लूँ थोड़ा सा वीडियो कटा नहीं है, कभी कभी क्या होता है कट जाता है। चलिए ओके, इट इज कंटिन्यू। तो वापस आते हैं अपने टेम्परेचर वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होते हैं, इवनली कांस्टेंट नहीं रहता है, हर जगह बदलता रहता है। जैसे ही इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं टेम्परेचर डाउन जाता है, हम ऊपर गए टेम्परेचर डाउन गया, यह हो रहा है यार। देख रहे हो इक्वेटर से हम पोल की तरफ ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर उल्टा, तुम ऊपर गए हम नीचे जाएंगे, ये लोग टेम्परेचर डाउन हो गया, मतलब ठंडा हो गया। अच्छा फिर ऋषि जी सोचे चलो हम प्लेन से माउंटेन चले, तो तुम प्लेन से माउंटेन गए, फिर टेम्परेचर की अलग ही नौटंकी यार, ये ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर डाउन हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, ठंडा हो गया, ठीक है ओके। और आपको बता दिए कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस से भी यदि टेम्परेचर रह पाते हैं, अरे 100 डिग्री सेल्सियस भी आपका पानी तो बॉयल हो जाता है, और मिल जाते हैं थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया, ओके, थर्मस एक्वेटिकस जो भी होते हैं। अब देखिए कुछ यहाँ पे जनरल नॉलेज के फैक्ट है, एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। जनरली कहते हैं ना कोई पढ़ना नहीं चाहता, बोरिंग ये चैप्टर है, लेकिन मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, नानी नाना से जोड़ रहा हूँ, फॉरेस्ट के से जोड़ रहा हूँ, ठीक है, ऋषि मुनि से जोड़ रहा हूँ, क्यों, ताकि इस चीज़ को लर्न कर लिया जाए। मैंगो ट्री आर नॉट फाउंड इन कौन सा रीजन, टेम्परेट रीजन। अब देखिए जो गुरु होते ना वो कभी गलती करते हैं तो स्टूडेंट को उनकी गलती हमेशा याद रहता है। एक खास बात मैं आपको बता रहा हूं, जब भी कोई क्लास में टीचर से गलती होता है तो बच्चों को यार बड़ी मजा आता है कि सर जी गलत बता दिए, ठीक है। तो वो सर जी की गलती को पकड़ने के लिए बच्चे तैयार रहते हैं, और क्या होता है कि उसी के चक्कर में उनका ये फायदा हो जाता है कि ये गलत हुई चीज वो हमेशा याद रहते हैं। इतना अच्छा अच्छा चीज़ सिखाया जाता है इसको थोड़ी नहीं याद करेंगे, लेकिन जो गलत रहता है वो इनको बहुत याद रहता है। तो मैंने गलती से ट्रॉपिकल बोल दिया था, उसको मैंने सुधार कराया टेम्परेट, तो जिंदगी भर तुम लोग नहीं भूलोगे कि जो मैंगो है, मैंगो ट्री आर नॉट ग्रो इन टेम्परेट रीजन। इसलिए तो हमेशा याद रखना कि ट्रॉपिकल नहीं, इसको टेम्परेट रखना है, ठीक है। जो मैंगो ट्री कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, हम लोग के एरिया मिलेगा, इंडिया मिलेगा, काहे जर्मनी कनाडा मिले, इसलिए वो कभी भी टेम्परेट रीजन में ग्रो नहीं करता, ठंडे में ग्रो नहीं करता। अगर ठंडे में ग्रो करता तो ठंडी मामा घर जाना पड़ता, बहुत सासत होता है यार। अच्छा है, मतलब जैसा नेचर ने सिलेक्ट किया दैट इज गुड, ओके। स्नो लीपॉड, ठंडे में रहने वाले लीपॉड, वो लीपॉड मतलब कहाँ नहीं मिलते, केरला के जंगल नहीं मिलते, रीजन इज केरला इज टू हॉट एरिया, ओके। ट्यूना फिश आर नॉट फाउंड बियॉन्ड ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन मतलब क्या होता है, जो बहुत गर्म एरिया है, वो बहुत गर्म एरिया के बियॉन्ड कभी भी आपको ट्यूना फिश नहीं मिलेंगे। ट्यूना फिश चाहते हैं हम गर्मी में रहें, तुम ले अपने घर में पालोगे, ठंडा में फ्रीजर में रखोगे, ऐसा नहीं। हाँ काट लो उसको, तब कहीं रख लो, ठंडा में रखो, गर्मी में रखो, कोई दिक्कत नहीं, खाओ पियो दबा के, ठीक है। तो ये था, इसको आप नोट कर सकते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ओके। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टॉपिक। चलिए टेम्परेचर की वजह से ही ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, ठीक है, मैं उनको आप बताता हूँ, ठीक है। चलिए टेम्परेचर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को दो टाइप में बांटा गया है, एक होते हैं यूरीथर्मल, यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म। अगर आपसे पूछे व्हाट इज़ द यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म, एंड दूसरे होते व्हाट इज़ द स्टेनोथर्मल, स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। टेम्परेचर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला होता है यूरीथर्मल और दूसरा स्टेनोथर्मल। यूरीथर्मल की कहानी क्या भैया, देखिए यूरीथर्मल जो होते हैं ना वो कहते हैं हमको चाहे जो उन्हें टेम्परेचर में रख दो हम रह लेंगे, ठंडी है स्वीटर पहन के रह लेंगे, और क्या गर्मी है एसी कूलर चला के रह लेंगे, बरसात है छतरी रख के रख लेंगे, मतलब वो हर एक टेम्परेचर को सहने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, उन्हीं को क्या बोलते हैं यूरीथर्मल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टॉलरेट कर सकते हैं वाइड रेंज मतलब टेम्परेचर के हर एक रेंज को, ठंडी गर्मी बरसात,
दैट इज यूरिथर्मल। इसका एग्जाम्पल कौन होगा? देखिए इसका एग्जाम्पल्स होते हैं पहले तो बर्ड्स। आप कहोगे बर्ड्स कहाँ स्वेटर पहनता है, तुमको दिखाती नहीं लेकिन पहनती हैं, ठीक है। और कौन? मैमल्स। मैमल्स मतलब जो अपने बच्चे को मिल्क का फीड कराती हैं। अब कहोगे इनको तो नहीं देखें, अरे देखिए भाई मम्मी मौसी चाची हम लोग सब क्या है, मैमल्स ही तो हैं, ठीक है। अब बस ये है कि जो जेंट्स होते हैं वो फीड नहीं कराते, फीड करते हैं, बट लेडीज़ फीड तो कराती हैं, तो मैमल्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मैम मीन्स होता है मैमरी ग्लैंड, ठीक है। मैमल्स मैमरी ग्लैंड, जिनके पास मैमरी ग्लैंड होते हैं वो मैमल्स होते हैं। स्टेनोथर्मल का नाटक है भाई, नाटक ये है, कहेंगे कि हमें यह टेम्परेचर हमको चाहिए। जो मछली क्या कंडीशन था, कौन सा मछली? टूना फिश। कि हम रहेंगे कहाँ पर रहेंगे? हम सिर्फ रहेंगे तो ट्रॉपिकल रीजन में रहेंगे और बाहर नहीं जाएंगे। ये था क्या? ये कहाँ मिलते हैं? सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन मिलते हैं, ठीक है। इसके बाहर ग्रो नहीं करेंगे, तो इसलिए इनका क्या है, फिक्स है कि हम इसी टेम्परेचर में रहेंगे, इसके बाहर हम नहीं जा सकते। इसलिए क्या है, टॉलरेट ओनली मतलब सह सकते हैं ओनली नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, बहुत ही नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को सह सकते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे स्टीनोथर्मल। एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, दैट इज फिशेस एंड एम्फीबियंस। ओके भाई, तो यहाँ तक रहा अपना क्लास, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी नई जोश नई कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। ओके ठीक है, टाटा टाटा टाटा।